all the youngsters, they need tough wickets. Facilities has been lacking. I don't know how many months or how many years. मुझे लगता है थोड़ा स्पोर्ट्स काउंसिल को दे नीड टू टेक द इनिशिएटिव, क्योंकि बच्चे इतने दूर से आए हैं तो उनके पास टफ विकेट नहीं है सर. एक ही विकेट पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगता है कि काफ़ी काम करने की जरूरत है. एक्सपीरियंस तो बहुत, बच्चे इतने देखो आप कितना जोश है सब लोगों में, लेकिन फैसिलिटीज़ तो दे नीड टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज़ फर्स्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने काफ़ी काम नहीं किया है. पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स दे हैव नॉट डन एनी वर्क. क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से बच्चा 200-200 किलोमीटर दूर आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट से क्रिकेट नहीं अच्छा है तो इसलिए काउंसिल के यहाँ पे स्टेडियम में आ रहा है. तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम करने की जरूरत है इधर, और बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिलेगी, हम भी गांव से खेलें, हम भी ऐसी जगह से खेलें जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होता था, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे अच्छे सीनियर होते थे जो सपोर्ट करते थे. बट आई थिंक गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉर दैट एंड दे रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस J&K का पूरा जो क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दे रियली नीड टू इम्प्रूव. सो आई होप कि ये इवेंट के बाद हम दोबारा फिर आएंगे पूरी टीम के साथ, तो दे वॉन्ट टू get the system and at the same time really need to improve the infrastructure in domestic cricket. पहले तो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ रहती थी जैसे क्रिकेट है, तो पहले तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इंटरनेशनल अगर देखा जाए, बट धीरे धीरे इंटरनेशनल प्लेयर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ अकेडमी खुल रही हैं, तो उसका फ़ायदा ही है यहाँ के जो यूथ है, जो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं आगे अपनी कंट्री के लिए, अपने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी स्टेट को, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप है जिसके कारण एक अच्छी अचीवमेंट भी है उन बच्चों के लिए कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस को आगे एनहांस कर सके, इंक्रीज कर सके, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल हो. जम्मू मतलब J&K से होने के नाते यहाँ पर एक्टिविटीज़ उतनी कंपेयर टू अदर स्टेट्स उतनी ज़्यादा रहती नहीं थी पहले, तो अभी हमने उनके रिसेंट सोशल मीडिया पे भी देखा, जैसे अनंतनाग पर उन्होंने किया तो वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आए थे, तो एक होप और एक्सपेक्टेशन रहती है कि जैसे अब एक सीनियर इंडियन टीम के प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स विद सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर पीपल, जब वो एक डेडिकेटेडली आ रहे हैं, काफ़ी उन्होंने कंसेक्यूटिवली काफ़ी जगहों पर ट्रायल अनाउंस भी किया और जगह पर ले भी चुके हैं, तो वैसे हम देखते हैं कि इट्स गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस कि हमें एक मौका मिलेगा एक फुल फ्लेज ऑफिशियल और प्रोफेशनल लोगों के साथ एक खेलने का, और मे बी हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाए आगे जाने का.